reconstruction policy and what was the plan for second world war, yani ki Hitler jo tha uska second world war ke liye plan kya tha aur usne apni country ko kaise prepare kiya uske liye. To iske liye sabse pehle aapko bataya ki usko support kisne kiya, uske economist friend unka naam kya tha, Helmut Schacht. Helmut Schacht was a friend of Hitler and he advised Hitler to incur expenditure on two main projects. Do main projects start kiye gaye because Hitler ne kya promise kiya tha, 100% full employment and safe future. Uske liye maine aapke aapke sath discuss kiya tha that construction of highways, super highways, and second was car manufacturing plant. कौन सी कार, कौन सी कंपनी है जो जर्मनी की सबसे फेमस है, Volkswagen. कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जर्मनी में स्टार्ट किया गया, इससे बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, लोगों की ड्रीम कार, यानी कि उस टाइम पीरियड में लोगों का कार लेने का जो ड्रीम था वो हिटलर ने काफी हद तक जो है वो कंप्लीट करवाया. तो कहीं ना कहीं लोगों को स्टार्टिंग में लगा कि हिटलर जो है वो डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने से शायद एक मसीहा सेवियर जो है वो सोसाइटी का बनेगा, पर ऐसा नहीं हुआ. इसके बाद ये तो उसकी रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज थी कि जर्मनी को किस तरह से डेवलप किया जाए. अब उसका वॉर की तरफ क्या प्लान था, वॉर की तरफ मतलब है कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बदला लेना चाहता था. ही वांटेड टू रिटेलिएट. रिटेलिएट का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्म्स ऑफ ट्रीटी वाइमर रिपब्लिक ने साइन की थी ये उनका बदला लेना चाहता था. और इसलिए जो एरियाज विनर कंट्रीज ने जर्मनी से ले लिए थे, राइनलैंड, ये उन एरियाज को वापस रिकैप्चर करना चाहता. और इसके लिए उसको जो उसने कंडीशन साइन की थी 1933 में, उसने अपने आप को बाहर निकाल लिया लीग ऑफ नेशन. कल मैंने आपको बताया था लीग ऑफ एसोसिएशन क्या थी, लीग ऑफ नेशन क्या थी. दिस वाज अ काइंड ऑफ लाइक यूएनओ है ना, ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अमंग नेशंस, ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी लॉस हुआ बाकी कंट्रीज कभी भी फिर से वॉर जो है वो ना लड़े. तो बहुत सी कंट्रीज ने इसमें साइन किया कि आगे से हम वॉर नहीं लड़ेंगे. लेकिन हिटलर ने क्या किया, अब जर्मनी को लीग ऑफ नेशन की मेंबरशिप से निकाल लिया. नाउ ही वाज फ्री, ही कैन डू एनीथिंग अबाउट टर्म्स ऑफ जो ट्रीटी थी उनको फॉलो नहीं करेगा. और जब विनर कंट्रीज उनको बोला ट्रीटीज जो है वो उसको फॉलो करने के लिए, तो उसने कहा कि गवर्नमेंट चेंज हो गई है, पुरानी गवर्नमेंट ने कहा होगा लेकिन मेरी गवर्नमेंट जो है उसको फॉलो नहीं करेगी. तो दैट वॉज अ क्लियर इन्विटेशन फॉर विनर कंट्रीज. ठीक है, तो अब इस तरह से धीरे धीरे वॉर एक, यानी कि वॉर एक भी बार में स्टार्ट नहीं हुई, इसका बैकग्राउंड 1933 से ही बन गया. 1933 के बाद धीरे धीरे हिटलर ने क्या किया, बाकी कंट्रीज के साथ ग्रुपिंग करनी शुरू कर दी. उसने क्या किया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया को इकट्ठा किया और इस ग्रुप में जर्मनी के साथ और दो कंट्रीज थी उनको अपने साथ सपोर्ट में लिया, इटली एंड जापान. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को सपोर्ट किसने किया, इटली एंड जापान ने. और ये बनी एक्सिस पार्स. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये कंट्रीज बनी एक्सिस पार्स. और दूसरी तरफ अलाइड कौन सी थी, सेम यूके, यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया. ठीक है, मेन ये कंट्रीज थी. ठीक है, यूके मींस ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, रशिया को हम यूएसएसआर भी कह सकते हैं, रशिया भी कह सकते हैं. तो ये थी अलाइड कंट्रीज और ये थी एक्सिस पार्स. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो मेनली इन कंट्रीज के साथ हुई. फिर उसने 1940 में इन कंट्रीज के साथ एक एक्ट साइन किया जिसको बोलते हैं ट्राई पार्टाइट एक्ट. तीनों कंट्रीज ट्राई पार्टाइट एक्ट. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये कंट्रीज आपस में ग्रुप बनाई. ट्राइपार्टाइट एक्ट वॉज साइन इन 1940 एंड इससे पहले हिटलर ने 1939 में, ठीक है ये भी एक क्लियर याद रखो, 1939 में पोलैंड के ऊपर अटैक किया. अटैक ऑन पोलैंड. पोलैंड जो था दैट वॉज अ सपोर्टर, यानी कि सपोर्टर ऑफ यूके. तो पोलैंड के ऊपर अटैक हुआ तो अल्टीमेटली उसने क्या किया, इन अलाइड कंट्रीज को एक प्रॉपर इनविटेशन दिया कि वो उसके साथ जो है वो वॉर लड़ सके. और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई. सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब से हुई, 1939, और एंड कब हुई, 1945.
ये आपने मेन बताना है. इवन जर्मनी आल्सो अटैक्ड ऑन सम ऑफ द एरियाज ऑफ यूएसएसआर. रशिया के कुछ एरियाज पे जो है वो अटैक किया. राइनलैंड को वापस लिया. ही रीऑक्युपाइड राइनलैंड. ठीक है. ही साइंड अ ट्राइपार्टाइट एक्ट विद जर्मनी इटली एंड जापान ताकि वर्ल्ड वॉर में कंट्रीज का ग्रुप बनाया जाए. और इस तरह से मैं कह सकते हैं कि हिटलर ने वॉरफेयर पॉलिसी जो है उसको स्टार्ट किया. अब इस टाइम तक आते आते हिटलर ने अपनी कंट्री को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था आर्म्स एंड एमिनेशन वेपन्स. जबकि हलमर सेशे ने हिटलर को इस चीज के लिए वॉर्न भी किया कि नॉट टू स्पेंड टू मच एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जर्मनी तैयार नहीं है. लेकिन हिटलर नहीं माना और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग की और हलमर सेशे के साथ उसने जो है उसका जो भी उसकी एडवाइस थी उनको फॉलो नहीं किया. और अल्टीमेटली रिजल्ट आप सभी जानते हो कि 1945 में क्या हुआ. और अगर शायद उनकी बात मान लेता जर्मनी को फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो इंक्लूड ना करता तो जर्मनी की जो कंडीशन उस टाइम पर में हुई या हिटलर की कंडीशन हुई या बाकी लोगों की जो कंडीशन हुई वो शायद ना होती. ठीक है. एंड फिर हमने बताना है लास्ट 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड बताना है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने बताओगे कि जापान ने क्या किया. अटैक्ड ऑन द यूएस नेवल बेस. यूएस नेवल बेस का मतलब नेवी का बेस होता है जिसको बोला है पर्ल हार्बर. नेवी बेस का मतलब होता है जहां पे नेवी की सारी सिक्योरिटी होती है. ठीक है. तो जापान ने क्या किया यूएस के नेवल बेस पर्ल हार्बर पे अटैक किया. हार्बर हार्बर एक ऐसा प्लेस होता है जो ओशंस के साथ होता है जहां पे प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पूरी कंट्री की नेवी जो है वहां पे सिक्योर करती है कंट्री को कोस्टल एरियाज को. ठीक है. तो जापान ने यूएसए के नेवल बेस पर्ल हार्बर पे अटैक किया और यूएसए ने इसको रिटेलिएट करने के लिए क्या किया ड्रॉप बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी. और इस तरह से जापान गॉट डिफीटेड. दो कंट्रीज का कितना बुरा हाल हुआ. एटॉमिक बॉम्ब फर्स्ट टाइम जो है वो ड्रॉप किया गया और अल्टीमेटली जापान वॉज डिफीटेड. इटली की पावर वैसे ही कम थी और जर्मनी यानी कि हिटलर को पता लग गया था कि उसका एंड क्या होगा. सो दैट्स व्हाई विद द सम ऑफ द मेंबर्स एंड हिज फैमिली अंडर द बर्लिन बंकर ही कमिटेड सुसाइड इन द ईयर 1945 एंड विद दिस सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड एंड अगेन द विनर कंट्रीज वर यूके यूएसए फ्रांस एंड यूएसएसआर. बट दिस टाइम जब जर्मनी हार गई कंट्री अब इस बार इन विनर कंट्रीज ने डिसाइड किया नॉट टू इम्प्लीमेंट टू हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पॉलिसीज ऑन डिफीटेड कंट्रीज ताकि फिर से कोई नया हिटलर जो है उसका बर्थ ना. ठीक है. तो दैट वॉज ऑल अबाउट द वॉरफेयर पॉलिसी ऑफ हिटलर और जो हिटलर की स्टोरी थी. अब हमने ये तो हमने बिल्कुल शॉर्ट में सारी स्टोरी की है लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हिटलर के और नाजी थिंकिंग या नाजी आइडियोलॉजी को साथ साथ जो है वो कवर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम करेंगे. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नाजी आइडियोलॉजी. नाजी आइडियोलॉजी. ठीक है. हाँ जी. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस. यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. जो मैंने टॉपिक अभी तक करवाए हैं या अभी तक हमने इस चैप्टर से जो भी टॉपिक किए हैं. एनी डाउट. हाँ जी. ऑफलाइन स्टूडेंट्स यू वांट टू आस्क समथिंग. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फीचर्स ऑफ नाजी आइडियोलॉजी. जो नाजी सोचते थे वही हिटलर सोचता था. ठीक है. यानी कि नाजी की आइडियोलॉजी इनडायरेक्टली हिटलर की थिंकिंग थी. यानी कि हिटलर ने अपनी पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक मिलिट्री जो है वो अलायंस बनाया था ताकि विनर कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसकी रिटेलिएशन ली जाए. ठीक है. तो जब भी हम इसके फीचर्स करते हैं सबसे पहले हमने बताना है कि हिटलर का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो था. ठीक है. उसका जो ब्रेन सोचता था वही नाजी पार्टी सोचती थी. तो इसमें हमने मेन सबसे पहले बताना है रेशियल इनडिफरेंस भी बता सकते हो हायरार्की भी बता सकते हो. इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है कि वो किस तरह से बाकी रेसेस के साथ इनडिफरेंट था. इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है उसका बिहेवियर टोटली डिफरेंट था जो उसकी रेस से बिलोंग नहीं करते थे. रेशियल हायरार्की या रेशियल इनडिफरेंस. इसमें हमने क्या बताना है हिटलर की रेस कौन सी थी. नॉर्डिक
जर्मन, आर्यन रेस. ही बिलोंग टू दिस रेस एंड ब्लॉन्ड हेयर ब्लू आईज, है ना, तो कलर टोटली फेयर. तो ऐसे जो लोग, और हिटलर ने क्या किया अपनी कंट्री में ना, रेशियल टेस्ट. रेशियल टेस्ट का मतलब होता है कुछ ऐसे टेस्ट, जब लोगों के टेस्ट टेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर ये उसकी रेस को क्वालिफाई करता है तो उनको क्या करते थे, बच्चों को फैमिली से अलग कर दिया जाता था. क्योंकि हिटलर अपनी कंट्री में बच्चों को सबसे ज्यादा जो है उनका नंबर जो है वो सबसे ज्यादा चाहता था, क्योंकि उसको लगता था कि बच्चों को हम किसी भी तरह से ट्रेंड कर सकते हैं. और अपनी कंट्री में वो उसका ये मानना था कि अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर कंट्री में ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली सेफ फ्यूचर का मतलब होता है आगे जाकर नाजी आइडियोलॉजी को बच्चों के माइंड में इजिली बिठाया जा सकता है. इसीलिए उसने क्या किया, बहुत सी ऐसी फैमिलीज के बच्चों को उनकी फैमिली से अलग कर दिया. बच्चों के रेशियल टेस्ट पास करवाए जाते थे, अगर बच्चे उन रेशियल टेस्ट को क्वालिफाई करते थे तो उन बच्चों को अलग से ऑर्फेन हाउस में भेज दिया जाता था और वहां पे उनको नाजी आइडियोलॉजी की टीचिंग दी जाती थी कि हिटलर की वर्शिप, वॉर की वर्शिप या नाजी आइडियोलॉजी को कैसे जो है वो समझा जाए. सो इसके अकॉर्डिंग रेशियल इंडिफरेंस का मतलब क्या है, नाजी पार्टी और हिटलर की थिंकिंग क्या थी, देयर रेस इज बेस्ट और बाकी रेसेस के भी जो बच्चे होते थे, फैमिलीज होती थी, अगर वो रेशियल टेस्ट पास करते थे तो उनको ऑर्फेन हाउस या जो भी उस टाइम पीरियड में बिल्डिंग्स में या जहाँ पे भी ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते थे जो बच्चों को ट्रेनिंग देते थे, वहां पे उनको भेज दिया जाता. इट मीन्स अब खुद सोचो कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फैमिलीज जो है वो सेफ नहीं थी. और इस तरह से कुछ ऐसी कम्युनिटी, 52 कम्युनिटीज जो उसकी हिट लिस्ट में थी, उनमें से ज्यूइश जो थे, ठीक है, नंबर वन थे, बाकी भी और से बहुत से कम्युनिस्ट या डेमोक्रेट्स या पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे जिनको हिटलर जो है वो बहुत हेट करता. ठीक है, तो सबसे नंबर वन आपने क्या बताना, नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस सबसे टॉप पे थी. और 52 कम्युनिटीज में उसकी हेटेड लिस्ट में सबसे टॉप पे कौन थे, ज्यूइश. ठीक है, ये होगी रेशन की पॉलिसी. नेक्स्ट फिर आपने बताना है चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरीज. चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर, इनका मानना है, साइंटिस्ट थे ये, हिटलर ने इनकी थ्योरीज को पढ़ा और उन थ्योरीज को अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया और उन थ्योरीज को अपने अकॉर्डिंग सपोर्ट किया. हिटलर के अकॉर्डिंग चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जो है उनका ये मानना था कि हमारे वर्ल्ड में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उनका नंबर बढ़ना चाहिए. लाइक जो प्लांट्स जो है पॉइजनस होते हैं उनको खत्म कर दिया जाए और ऐसे प्लांट्स जिनकी वैल्यू है सोसाइटी में या इकोनॉमी में जिनकी वैल्यू है उनको ग्रो किया जाए. यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट है सिर्फ उसको ही सर्वाइव करने का राइट है. लाइक एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो ह्यूमन रेस के लिए डेंजरस हैं उनको आगे खत्म कर दिया जाए और ऐसे एनिमल्स जो ह्यूमंस के लिए फायदेमंद है उनकी आगे स्पीशीज को, नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो बढ़ाया जाए. अब यही थिंकिंग हिटलर ने अपने थ्योरी में ली. उसने का क्या कहा, नंबर वन उसकी रेस बेस्ट है. इसका मतलब क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि इवन उसकी रेस में भी अगर कोई हैंडीकैप्ड है या डिजीज जिसको होती थी तो उसको भी मार दिया जाता था. अल्टीमेटली उसका मानना क्या था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है कि जो उसकी रेस में बेस्ट है, फिट है, सिर्फ उसको ही आगे नंबर ऑफ जो है वो फैमिली मेंबर जो है वो बढ़ाने का राइट है. अदरवाइज अगर कोई हैंडीकैप्ड है या बीमार है तो वो उसके लिए सोसाइटी पे बर्डन था. ठीक है, सेकेंड थिंग, इसके लिए उसने और क्या किया, और इस थ्योरी का फायदा क्या लिया, जैसे इन्होंने कहा था डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग कि प्लांट्स नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है सिलेक्ट किए जाए. तो ऐसे हिटलर ने क्या किया था, कम्युनिटीज को सिलेक्ट किया, कुछ को डिजायरेबल बना दिया, कुछ को क्या बना दिया, अनडिजायरेबल. और जो अनडिजायरेबल थे उनके लिए गैस चैम्बर्स, टॉर्चर चैम्बर्स, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जो है वो एस्टेब्लिश किए ताकि उनको वहीं पे खत्म कर दिया जाए. तो दैट वॉज मोस्ट ड्रेडफुल. इसके लिए उसने बड़े बड़े सेंटर्स बनाए, मैं बाद में डिस्कस करूंगी कौन कौन से सेंटर्स. ऑशविज सेंटर्स होते थे, सेंटर्स के ऊपर लिखा जाता था ऑशविज. ठीक है, सिंपल सेंटर मतलब जहां पे लोगों को ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाता है वो बीमार. ऑशविज का मतलब होता है ऐसे सेंटर जहां पे लोग बीमार हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन अंदर उनके साथ क्या होता था, पॉइजनस गैसेस के द्वारा उनको जो है वो मार दिया जाता था. तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि हिटलर ने कभी भी अपनी डिक्शनरी में मर्डर, किल
या ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं किया, उनके लिए फाइनल सोल्यूशन, अनडिजायरेबल, ऑशवे सेंटर्स, ठीक है, घेटोइजेशन, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनके बेसिस के ऊपर उसने इन साइंटिस्ट की थ्योरीज को क्या किया, अपनी थ्योरी के साथ ऐड करके अपनी एक नई थ्योरी बना दी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, पहले सिलेक्ट किया जाए जो फिट है, सिर्फ उनको ही आगे बढ़ने का राइट है, जीने का राइट है, बाकी जो है उनके नंबर ऑफ जो फैमिलीज है उनको रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है। इसके बाद एक और कंसेप्ट जो है, थर्ड कंसेप्ट उसकी आइडियोलॉजी का क्या था, लिबेनस्ट्रॉम, LEBENSARUM, लिबेनस्ट्रॉम का मतलब होता है लिविंग स्पेस, लिविंग स्पेस ओनली फॉर नॉर्डिक, ठीक है। अब जब चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग उसने कहा कि सिर्फ जो बेस्ट रेस है उन्हीं को ही आगे बढ़ने का राइट है, अब आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इनको क्या चाहिए, एरियाज, वो जर्मनी में ही नहीं रहेंगे, उसका मतलब था कि वो जर्मनी से बाहर भी जाएंगे, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ उसकी ही रेस सर्वाइव करेगी, वन रूलर वन रेस वन पर्सन, यानी कि एक ही तरह के लोग होंगे, उसकी मेंटेलिटी कितनी पुअर थी, ठीक है। और उसके लिए उसने क्या किया, जर्मनी के अलावा नेबरिंग कंट्रीज पे अटैक करना शुरू कर दिया, विनर कंट्रीज, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मेन उसका लीड करने का मेन मोटिव क्या था, कि विनर कंट्रीज को कंट्रोल किया जाए, विनर कंट्रीज को हराया जाए, और उन कंट्रीज में अपनी रेसेस जो अपनी नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस है या जो उनके अकॉर्डिंग डिजायरेबल है उनका नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है वो बढ़ना चाहिए। लिबेनस्ट्रॉम एक नया कंसेप्ट था जिसके मुताबिक कि जर्मनी जो है दैट इज नॉट सफिशियंट फॉर हिज रेस, और वो इंपीरियलिस्टिक यानी कि नेबरिंग कंट्रीज पे अटैक करके अपनी टेरिटरीज को एनलार्ज करना चाहता था, ताकि बाकी सभी एरियाज में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ उसकी ही रेस जो है सुपरियोरिटी, सुपरियोरिटी का मतलब होता है सिर्फ उसी की रेस जो है वो सर्वाइव करे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, और इसके लिए वो अलग अलग कंट्रीज में अपनी रेस या अपनी जो है वो नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस इसको प्रमोट करना चाहता है। उसकी हिट लिस्ट में कौन कौन सी कम्युनिटीज थी, ज्यूइश, कम्युनिस्ट, पोलिश, जिनको वो सबसे ज्यादा हेट करता था, जिप्सीज, ब्लैक पीपल, नीग्रोज, जिनको वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन रिड्यूस करना चाहता था, ठीक है। एंड क्यों वो करना चाहता था, क्योंकि इसमें से सबसे पहले आपने बताना है, ज्यूइश जिनको वो क्या समझता था, स्यूरर्स, यू यहाँ पे साइलेंट है, स्यूरर्स का मतलब होता है मनी माइंडेड, हिटलर का ये मानना था कि जो ज्यूइश है वो क्या है, स्यूरर्स है, मनी माइंडेड है, जीसस क्राइस्ट को मानने में, उनको क्रूसीफाई करने में इस रेस को वो रिस्पॉन्सिबल ठहराता था, इसीलिए उसने कहा कि उन्होंने मनी के लिए जीसस क्राइस्ट को अपोज किया, ज्यूइश ने उनको सपोर्ट नहीं किया, सो दैट्स व्हाई जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसीफाइड, और इसीलिए वो चाहता था कि ज्यूइश जो कम्युनिटी है उनको खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा और किन से हेट करता था, रशियन, पोलिश, पोलैंड जो था उस टाइम पे विनर कंट्रीज को सपोर्ट करता था, इसलिए पोलिश लोगों से वो हेट करता था, ब्लैक पीपल, ब्लैक कम्युनिटीज को इसलिए हेट करता था क्योंकि वो नॉर्डिक जर्मन, वो खुद उसका कलर बहुत फेयर था, तो सिर्फ अपने जैसे लोग चाहता था। देन इसके अलावा डेमोक्रेट्स, रशियंस, बहुत से ऐसे लोग जो डेमोक्रेसी चाहते थे, इवन जो उसकी अपनी ही पार्टी के या अपनी ही रेस के जो लोग डिजीज जिनको होती थी या जो लोग हैंडीकैप थे या जो वॉर से डरते थे, ठीक है, ये सभी लोग उसके लिए क्या थे, अनडिजायरेबल। सो इसीलिए वो इन सभी को जो है वो या तो मानना चाहता था या डिपोर्ट कर देना, मतलब कंट्री से बाहर निकाल देना, ठीक है। और हमने क्या बताना इनकी आइडियोलॉजी में, स्टेप्स टू डेथ, थ्री स्टेप्स टू डेथ, जिन लोगों को वो सबसे ज्यादा हेट करता था, हाँ जी जैसे मर्जी में, जिन लोगों का वो सबसे ज्यादा हेट करता था उसके लिए उसने क्या किया, अलग अलग स्टेप्स टू डेथ जो है वो इंट्रोड्यूस किए। इसमें से सबसे पहले आपने बताना है एक्सक्लूड कर देना सोसाइटी में, किनको एक्सक्लूड, टू अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल, मैंने अभी आपको बताया कितनी कम्युनिटीज को वो अनडिजायरेबल मानता था, तो वो चाहता था कि पहले इनको एक्सक्लूड कर दिया जाए। एक्सक्लूड कैसे, जिस टाइम पीरियड में हिटलर की गवर्नमेंट या हिटलर की नाजी पार्टी आई, वो क्या करते थे, एरियाज में जाकर ऐसी कम्युनिटीज को ढूंढते थे, फैमिलीज को ढूंढते थे, उनको सोसाइटी से बाहर निकाल देना,
एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। अब जब उनको एक्सक्लूड कर दिया, सोसाइटी से बाहर कर दिया, उनको कहाँ भेजते थे? सेंटर्स, उनको सेंटर्स को नाम दिया गया, उनको क्या बोलते थे? घेटोज। ऐसे सेंटर्स को क्या बोलते थे? घेटोज। और जिस प्रोसेस में उनको उन घेटोज में भेजा जाता था, इस स्टेप को क्या बोलते थे? घेटोइजेशन। घेटोइजेशन, घेटोइजेशन का मतलब है, ये पर्टिकुलर शुरू हुआ 1940 ऑनवर्ड्स। 1940 के बाद बहुत सी कम्युनिटीज को घेटो सेंटर्स में भेजा गया। इन घेटो सेंटर्स, ये सेपरेटली मार्क्ड एरियाज होते थे। मार्क्ड एरियाज का मतलब उनके ऊपर लिखा जाता था घेटोज हैं ये। अनहाइजीनिक एरियाज होते थे और ऐसे एरियाज में इनसे लेबर का काम करवाया जाता था, और ऐसी कंडीशन में उनको फूड या फैसिलिटीज भी नहीं प्रोवाइड की जाती थी। और फिर धीरे धीरे थर्ड स्टेप का मतलब होता है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का मतलब क्या है? फाइनल सॉल्यूशन। एनिहिलेशन मींस फाइनल सॉल्यूशन, डेथ चैम्बर। डेथ चैम्बर एनिहिलेशन। फिर धीरे धीरे घेटो सेंटर से इनको एनिहिलेशन कर दिया जाता था। डेथ चैम्बर का मतलब होता है कि उनको डेथ फैक्ट्रीज या डेथ चैम्बर में मारते थे। मास किलिंग ऑपरेशन। मास किलिंग ऑपरेशन क्या होते हैं? मास किलिंग ऑपरेशंस। आप खुद सोचो, जिस टाइम पीरियड में वर्ल्ड वॉर चल रही थी 1939 में, जर्मनी बाहर दूसरी कंट्रीज के साथ हिटलर वॉर कर रहा था, लेकिन उसकी अपनी ही कंट्री में उनकी नाजी पार्टी अपनी ही कंट्री के लोगों के साथ ये सारा जो है वो इनह्यूमन एक्ट्स कर रहे थे। घेटो सेंटर्स और एनिहिलेशन, ऐसे बहुत से सेंटर्स थे जिन सेंटर्स में पूरे के पूरे सेंटर्स को पेट्रोल डालकर जला दिया गया, और उसमें नंबर ऑफ जो है वो चिल्ड्रन भी थे, जिप्सीज भी थे, जूश भी थे, या ऐसे लोग थे जो हिटलर को अपोज करते थे। कहीं ना कहीं ऐसे सेंटर्स जो है उनको आज भी रखा गया है। जर्मन गवर्नमेंट ने आज भी इन ऑशविट्स सेंटर्स को एज सच रखा हुआ है, सिर्फ उस एरिया को एक कॉमेमोरेट, क्योंकि उस एरिया में लोगों ने बहुत से टॉर्चर्स जो है वो सही। सेम जैसे हमारी कंट्री का जलियांवाला बाग है, ठीक है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट ऐसे हुआ, जो भी है उस एरिया को आज भी रखा गया है, स्मारक बनाया गया है, और हर साल वहां पे लोग जो है वो उनको अपनी जो भी ट्रिब्यूट देने जाते हैं। सेम जर्मनी में भी ऐसे ऑशविट्स सेंटर्स को एज सच रखा गया है, कुछ भी डेवलपमेंट वहां पे नहीं हुई है। और जिन जिन लोगों की फैमिलीज या जिन भी लोगों ने सफर किया, तो वो हर साल ट्रिब्यूट्स या जो भी उनकी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं तब वहां जाते हैं, और उनको गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने उनको काइंड ऑफ एक म्यूजियम बना दिया। म्यूजियम का मतलब होता है उसको एज सच प्रिजर्व किया गया है, क्योंकि वो जर्मन की सबसे मोस्ट ड्रेडेड हिस्ट्री मानी जाती है। क्लियर? तो ये सारे थे हिटलर की फीचर्स। हम इसको फीचर हम पॉजिटिव नहीं कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि नाजी थिंकिंग की आइडियोलॉजी क्या थी, हिटलर की थिंकिंग क्या थी, और उसने अपनी थिंकिंग से ही, यानी कि जो उसका अपना ब्रेन था, उसके साथ उसने नाजी सोल्जर्स कैसे तैयार किए, और वो सारे सोल्जर्स हिटलर के एक ऑर्डर पे कुछ भी करने को तैयार थे। ठीक है, तो ये सारी है हिटलर की आइडियोलॉजी, या उसकी जो भी उसकी फिलॉसफी कह लो, या उसके फीचर्स, उसकी थिंकिंग। हाँ जी, एनी डाउट बेटा? यू कैन आस्क एनी डाउट। इन बिटवीन हमने कुछ टर्म्स पढ़नी है। टर्म्स आपको पता होने चाहिए, कुछ वर्ड्स। हिटलर ने कभी भी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं किए जिसमें वो किसी को मर्डर या किलिंग जो है वो यूज करता है। नए नए वर्ड्स, साइंटिफिक वर्ड्स जो है उसने इंट्रोड्यूस की अपनी इस फिलॉसफी को सपोर्ट करने के लिए। हाँ जी, एनी डाउट बेटा? एनी डाउट? कुछ वर्ड्स नोट करो, वन मार्क, या किसी भी तरह से ये वर्ड आप इसमें यूज कर सकते हो। नंबर वन, जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब क्या होता? मास किलिंग। मास किलिंग, जेनोसाइड का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रेस। जेनोसाइड मींस मास किलिंग टू एनी पर्टिकुलर रेस। जेनोसाइड मींस मास किलिंग। मास का मतलब होता है व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर किल्ड। मास किलिंग ऑफ एनी रेस, किसी भी रेस को जब मार दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, ताकि उसका नंबर ऑफ जो है वो आगे पॉपुलेशन है वो बिल्कुल भी इंक्रीज ना। ठीक है, देन सेकंड, मैंने अभी आपको एक टर्म बताई, ऑशविट्स सेंटर्स। ऑशविट्स,
ऑशवेज सेंटर क्या होते थे? ऑशवेज सेंटर्स वर द सेंटर्स वेयर अनडिजायरेबल पीपल वर किल्ड. ऑशवेज सेंटर्स, उनको ऑशवेज सेंटर्स कहते थे जहां पे अनडिजायरेबल जो है उनको मारने के लिए भेजा जाता था. काइंड ऑफ हिटलर ने इनको बोला कि ये हॉस्पिटल्स हैं. हॉस्पिटल्स का मतलब क्या होता है कि ट्रीटमेंट, जहां पे इनको ट्रीटमेंट करवाई जाएगी. ट्रीटमेंट का मतलब क्या कि वहां पे उनको पहले रखना और उसके बाद उनके ऊपर नजर रखना और धीरे धीरे उनको मार देना. दैट वॉज ऑशवेज सेंटर्स. देन यूथनीजिया. यूथनीजिया, यूथनीजिया का मतलब होता है जो डिसेबल्ड होते हैं उनको मारना. किलिंग डिसेबल्ड, किलिंग डिसेबल्ड. बेटा डिसेबल्ड में ना कोई भी टर्म आ सकती है, लाइक ब्लाइंड, हैंडीकैप, मेंटली जो फिट नहीं होते हैं, फिजिकली फिट नहीं होते हैं. तो ऐसे जितने भी लोग, चाहे उसकी अपनी ही नॉर्डिक रेस के क्यों ना हो, उसके लिए उसने एक प्रोसेस जो था दैट वाज क्या कॉल्ड यूथनेजिया. इसका मतलब क्या है कि डिसेबल्ड को मान. डिसेबल्ड का मतलब होता है जो फिजिकली फिट होते हैं उनको मान. ठीक है. देन इवैक्यूएशन. इवैक्यूएशन ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस चैम्बर्स के लिए लोगों को डिपोर्ट किया जाता है. डिपोर्टिंग टू गैस चैम्बर्स, लोगों को गैस चैम्बर्स में डिपोर्ट करना. ठीक है. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें लोगों को गैस चैम्बर्स में डिपोर्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इवैक्यूएट करना. इवैक्यूएट करना, खाली कर देना और उसके बाद उनको कहाँ भेज देना? डेथ चैम्बर्स में. डेथ चैम्बर्स क्या होते थे? मैंने आपको कल भी बताया था, एक काइंड ऑफ फेक वॉशरूम्स होते थे और उन वॉशरूम्स में शॉवर में पानी की जगह क्या होती थी? गैसेस. और उनमें भेजने से पहले उनको जो है कुछ, जिसे हम कहते हैं कि टॉर्चर जो है वो पहले सहना पड़ता था. लेबर कैंप्स होते थे, फ्री में लेबर करवाई जाती थी. फूड वॉज नॉट गिवन टू दैम. टॉर्चर जो उनपे होते थे, ठीक है. और उसके बाद डेथ चैम्बर का मतलब है कि वहां पे सफोकेशन के कारण उनकी डेथ हो जाती थी और उसके बाद उनकी बॉडीज को वहीं पे बरी कर दिया था. ठीक है. तो बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर को पता चला कि अब वो हारने वाला है, तो उसने सारे के सारे ऑशवी सेंटर्स को जला दिए. तो बहुत से कम ऐसे लोग हैं जो बचे. इवन आपकी बुक में आपने देखा होगा कि कुछ मिल्क कैंस या कुछ लोगों की पुरानी डायरीज मिली हैं. जो लोग उन ऑशवी सेंटर्स में रहते थे वो चाहते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है वर्ल्ड को बाद में पता लगे. तो कुछ लोग मिले भी और कुछ लोग जो है उन्होंने अपनी डायरीज या अपने ट्रेवलर अकाउंट्स जो है उसमें रखे और बाद में ये मिले भी. ठीक है. जिनको पढ़ के हमें पता लगा कि उस टाइम पीरियड में उन लोगों के साथ क्या हुआ. बहुत सी ऐसी मूवीज भी हैं जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बताती हैं कि किस तरह से हिटलर ने अपनी कंट्री में, अपने ही कंट्री के लोगों के साथ, ऐसे लोग जिन्होंने हिटलर को इलेक्ट किया था. आप खुद सोचो कि ऐसे लोग जिन्होंने हिटलर को इलेक्ट किया होगा तो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि उनका एंड ऐसा हो. ठीक है. तो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस फिलोसफी, नाजी थिंकिंग. ये सारे वर्ड्स आप इसमें यूज कर सकते हैं. पूरा टॉपिक है, वन मार्क क्वेश्चन, साइड बाय साइड वी विल कवर. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट वीक हम करेंगे टोटल कंट्रोल. टोटल कंट्रोल का मतलब होता है उसने यूथ पे कंट्रोल कैसे किया, मदर्स पे कंट्रोल कैसे किया, बच्चों पे कंट्रोल कैसे किया. ये हमारे सेपरेट सेपरेट टॉपिक्स हैं. क्लियर? एनी डाउट बेटा? नो?